जी भाई कैसे हैं? सब ठीक हैं, खुश हैं। और ये कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तजा रिज़वी है, मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। मैं एक बुझते फन का जो है पासबान बन के आया हूँ। तो इन सिंपल लैंग्वेज इसके लिए ट्राई टू से उर्दू, मेरे बुरे वक्त आ रहे हैं। तो ये कुछ लिखा है, इसका टाइटल है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो पेशे खिदमत है, इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उर्दू में बस एक कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो पेशे खिदमत है, हमने भी ठान ली कि लंदन में अपना एक ग्रुप बनाएंगे आज़ादी फिक्र के नाम से। उस महफिल में कुछ लोग जमा होंगे जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होंगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट होऊंगा सब में? नहीं नहीं, ये बात तो शायद थोड़ी गलत हो जाएगी। मतलब मैं छोटा आर्टिस्ट होऊंगा लेकिन बड़ा आर्टिस्ट होऊंगा, लेकिन सब बड़े होंगे, साइज मैटर्स। नहीं नहीं, ऐसी वल्गर कॉमेडी तो मैं नहीं करूंगा, वल्गर कॉमेडी मैं नहीं करूंगा। खानदान की एक इज्जत है जिन्होंने कितने लोगों की जमीन खाकर बनाई है। फिर हमने कलम उठा लिया और आज बोलने के लिए कुछ लिखने लगे। जब लिखूं तो ख्याल आया कि इस बार तो कुछ ऐसा लिख दूं कि लोग सीट से उठ जाएं, तालियां बजाने लगाएं और तालियां बजाते बजाते मेरे पैरों में गिर जाएं। फिर याद आया यार कुछ लिखना भी तो था, इसीलिए तो राइट किया था। फिर मैंने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट लिखा जिसमें ये चीजें शामिल थी, उर्दू जबान और उसकी खूबसूरती, मेरे दादा कैसे थे, मेरे नाना कैसे थे, मेरे जबान से मुतालिक एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के, और ड्राफ्ट के एंड में इकबाल का शेर। इस ड्राफ्ट स्क्रिप्ट की हेडिंग सुनकर आपको भी समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं स्क्रिप्ट में क्या कहना चाह रहा था। मैंने जब अपनी वाइफ को ड्राफ्ट सुनाया तो उसने भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया और दो तीन क्रिटिकल जुमले भी कह दिए, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, कुछ रबत नहीं है बात में, कुछ रिस्ट्रिक्ट सा होकर बोल रहे हो, थोड़ा मतलब ओरिजिनल रहो। मतलब मेरी सारी एक्साइटमेंट पानी में मिल गई। दो मिनट का ख्याल आया कि शायद इस कुन जहन को आला उर्दू अदब की पहचान ही नहीं है। और मैंने बिल्कुल वेलकम फील कर नाना पाटेकर की तरह फील किया, यानी नाना पाटेकर उदय भाई मैं और मजनू मेरी वाइफ, और दिली दिल में बोला साला चलता है मुझसे मजनू। फिर याद आया यही अप्रूव करती थी मेरी पुरानी तैयारी में। अरे यार इतने में पता चला कि अब तो एक हफ्ता रह गया इवेंट में, चलो अब ऐसा कुछ लिखूंगा जो दिल से बहुत करीब हो, चलो कराची पर कुछ लिखता हूँ। और हाँ, लोगों को मेरा तेज तेज बोलने वाला स्टाइल भी पसंद है तो स्टेज पर खड़े होकर ये कहूंगा। फिर लोग पूछते हैं कराची में आखिर ऐसा क्या है, कराची में पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, हक नहीं, इंसाफ नहीं, मोबाइल नहीं, कारोबार नहीं, सफाई नहीं, डिजिटल बैंकिंग नहीं और ऑनलाइन पेमेंट नहीं। बात सही है लोगों की, लेकिन क्या है ना दोस्त, कराची की हर सड़क, हर गली, हर मोड़, हर बाजार, हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर मुहाजर, हर मट्टी का जर्रा फिर भी हमारा है। हाँ, तुम्हारे लिए तो रोमांटिसाइज करना आसान है क्योंकि तुम तो दूर हो ना, वो बात भी सही है, लेकिन मैं शहर से दूर हो नहीं सकता क्योंकि मैं सहारा बनूं ना बनूं ये शहर मेरे माँ बाप का सहारा है। यार ये रैप तो इतना फोर्स लग रहा है स्क्रिप्ट में जितना नवाज को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और सियासत में फोर्स किया जाता है। फिर सोचा चलो बात अपनों की है तो करण जौहर की तरह कोई माँ बाप के इमोशंस जगाकर ओल्डेस्ट ट्रिक इन द हाउस खेलकर तालियां बटोर लूंगा। नहीं नहीं, ये बात तो कुछ मटेरियलिस्टिक सी हो जाएगी, मेरे जज्बात तो माँ बाप को लेकर बहुत सच्चे हैं, तो कुछ नंबर थ्रो करूंगा कि 8 साल से माँ बाप से 8,000 किलोमीटर दूर ही रहा हूँ। और ये भी बताऊंगा कि मेरे अब्बा के पास 1981 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MSc का ऑफर लेटर न्यू कराची के घर में हाथ में था, लेकिन उस न्यू कराची के घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर पढ़ने जा सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कराची में रहते हुए मेहनत की, 10 साल में 20 गुना तनख्वाह बढ़ाई और 30 साल में इस काबिल हो गए, 2015 में अपने बेटे को बैचलर्स करने के लिए इंग्लैंड भेजा। और फिर मैंने सोचा कि अब एक वलवला अंगेज जुनून सा आ जाएगा आवाम में, तो उनके उबलते जज्बात पर बाराक ओबामा की स्पीच का तड़का लगाऊंगा। Nobody cares how tough your upbringing was. Nobody cares if you suffered some discrimination. You have to remember that whatever you have gone through, it pales in comparison to the hardships previous generations endured. And they overcame them. If they overcame them, you can overcome them too. Yes, sir. नहीं, ये मैंने लिखकर काट दिया, मैंने कुछ और शांति सी हो जाएगी, थोड़ा लोग बुरा समान जाएंगे, सोचा वतन पर ही बात जारी रखूंगा। ये कहूंगा कि परदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए हर घर की ट्रिप कितनी खास होती है ना, दिल से करीब, हर बार आपको घर की एक नई डेफिनेशन पता चलती है। फिर लोगों को बताऊँ कि मेरी 5 साल पुरानी दिसंबर 2018 की कराची की ट्रिप भी कितनी दिलचस्प थी। मेरी बड़ी बहन का निकाह था और एक दूसरी कज़न की शादी थी और पूरे घर में बस वो माहौल था। देखा तेनू पहली बार में, एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ हमारी दादी अम्मा इमाम क्लिनिक नॉर्थ नाजाबाद के ICU में दाखिल थी, एक तरफ घर पे शादी की शनाइयां थी और दूसरी तरफ अम्मा नमूनिया के अटैक के बाद हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी।
कितनी अजीब बात है ना, लेकिन शादियां तो होनी थी, उन्हीं की पोतियां थी, उन्हीं के औलाद का फैसला था, कार्ड्स छप गए थे, दुनिया किस बीमार के लिए रुकती है। और चंद दिनों बाद शादियां भी खैरियत से हो गई, लेकिन अम्मा अभी भी आईसीयू में दाखिल थी। रोज हर घर वाले की ड्यूटी लगती थी अस्पताल में बैठने की। एक रात मैं अस्पताल में जाकर रुका, और आप आना आईसीयू के अंदर नहीं जा सकते, आपको एक वेटिंग रूम में इंतजार करना होता है दीगर आईसीयू पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के साथ। उसी असना में पूरी रात में हमारी एक स्ट्रेंजर अंकल से मुलाकात हुई जो किसी और आईसीयू पेशेंट के अटेंडेंट थे। बहुत ही ज्यादा बात होनी थी और हाल हुलिये से एक मिडिल एज मिडिल क्लास पाकिस्तानी अंकल लग रहे थे। सुबह हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि चलो बेटा यहाँ रोड क्रॉस करके बाबुल इमामबरगा में नमाज पढ़ लेते हैं और नाश्ता भी कराते हैं। हम कुछ ना चाहते हुए भी उनके साथ नाश्ता करने चले गए, सोचा कुछ दिमाग ही फ्रेश हो जाएगा। नाश्ते के दौरान मैंने उस स्ट्रेंजर अंकल से पूछा, अंकल आपका कोई अस्पताल में दाखिल है? कहने लगे, हाँ बेटा वो मेरी वाइफ दाखिल है, बस कुछ ब्रेन का मसला हो गया बेटा, बिल्कुल बेहोश हैं कई दिन से आईसीयू में। बेटा पार्टनर का एक साथ होता है आपकी लाइफ में, 20 साल का साथ है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर नॉर्मल एनर्जी में वापस आए, उठे और 300 रुपये का नाश्ते का बिल भी खुद दे दिया, वो भी मुझे नहीं देने दिया, और हम वापस आ गए अस्पताल। ये कहानी लिखते लिखते मैंने सोचा नहीं यार ये कहानी थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, अगर रुलाने थोड़ी बुलाया लोगों को तो शायद मुझसे कुछ और मांगेंगे, डॉक्टर वगैरह टिकट्स विकट्स लेकर आए हैं। फिर दिल चाह के लोगों को कुछ मोटिवेट करना है, नहीं मोटिवेशन तो सस्ता जारी काम है, वल्नरेबिलिटी लाओ थोड़ी। चलो तो मोटिवेशन में वल्नरेबिलिटी लाऊंगा, ये बताऊंगा कि मैंने कितना काम किया अपनी जहनी सेहत पर। मैंने पिछले साल एज ए साउथ एशियन मैन थेरेपी लेना शुरू की, यानी माहिर नफ्सियात के पास जाना शुरू कर दिया। वाओ वाओ मैं कितना अजीम शख्स हूँ, ऐ दोज़ख के कुंदा मुझसे कुछ सीखो। नहीं इस बात में तो बहुत ईगो और मगरूर पन है, मैं उनका हीरो थोड़ी हूँ, मेरे सारे अटेंडीज मेरे हीरोज हैं। तो मतलब ये सूरत हाल थी हमारी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश पर। फिर हमने गिव अप कर दिया, सोचा जो है बस बता देंगे, लेकिन माइक का स्लॉट पूरा रहेंगे एक सच्चे राइटर की तरह। फिर ख्याल आया कि शायद मैं भी एक अजीम राइटर बनता जा रहा हूँ, मेरे लव्स और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल अ लेजेंडरी राइटर। तो बात इसी बिना से खत्म कर दूंगा कि लोग मुझे क्या समझ पाएंगे। हम तो ऐसे रचे बचे साउथ एशियन आदमी है कि हमारी ओपन अप होने की इतनी पुअर स्किल्स है कि हमारी थेरेपिस्ट तक ने हमसे कह दिया था कि I struggle to understand like what your true self is or what you truly enjoy. अरे नहीं यार ये बात तो नहीं कहनी थी, उस बात से तो मेरी और मेरी थेरेपिस्ट दोनों की कैपेबिलिटीज पर सिग्निफिकेंट डाउट होगा। तो चलो ये बता दूंगा कि मैंने थेरेपी से सबसे बड़ी और अच्छी चीज ओरिजिनल होना सीखा है। और वजन के लिए अल्लामा इकबाल का शेर सुनाकर तकरीर खत्म करूंगा कि इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरावे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरावे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। चले अब अंडे मारना शुरू करें तो मैं स्टेज से उतर जाऊंगा।